Good morning, children. I am your social studies teacher. Today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Our Government. A school is divided into many departments like academic, cultural, sports, accounts, etc. यानी school कई departments में divide होता है. एक तो academics का, पढ़ाई लिखाई का, cultural programs का, culture का, sports का और accounts का. द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ अ स्कूल. आपको पता है कि सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल कौन होते हैं? प्रिंसिपल कौन होता है? स्कूल का हेड होता है. हेड ऑफ़ वेरियस डिपार्टमेंट्स हेल्प हिम और हर इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल. यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, वो चाहे एकेडमिक हो, कल्चर हो, उसके जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल को स्कूल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. ऑल्सो दे मेक सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरीवन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल. और सभी लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, ताकि क्या कहते हैं, स्कूल को प्रॉपरली चलाया जा सके. सिमिलरली इंडिया भी काफ़ी स्टेट्स में डिवाइड है. फर्दर दीज स्टेट्स आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट. और यही स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है और डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है विलेजेस और टाउन्स में. तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 3 लेवल्स. इंडिया की गवर्नमेंट की कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल है. कौन कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल सेल्फ लेवल. ठीक है. द वेलफेयर ऑफ होल कंट्री इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. पूरी कंट्री की यानी पूरी भारत देश की क्या कहते हैं, अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट किसके लाभ के बारे में सोचती है? स्टेट के लाभ के बारे में, स्टेट के अच्छाई और वेलफेयर के बारे में सोचती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट असिस्ट इन द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? एक तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है. ठीक है ना. बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीज़ों का ध्यान देती है जो सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है. उसमें क्या हो जाता है? दे इंक्लूड, दीज इंक्लूड बिल्डिंग रेलवेज एंड इम्पॉर्टेंट रोड्स, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक्स एक्सेट्रा. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है? वो बिल्डिंग रेलवेज का और रोड्स का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंड प्रोटेक्शन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक्स एक्सेट्रा, इस सब का ध्यान देती है. मतलब कि कोई आपको, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर टू मेन हेड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रखता है. यानी इन्हीं की निगरानी में ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं. आपको पता ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदर दास मोदी है और हमारे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी. कम टू द नेक्स्ट पेज. स्टेट गवर्नमेंट. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. सबकी हर एक स्टेट की, भारत के हर एक क्या कहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट अपनी अपनी होती है. ठीक. द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द थिंग्स सच एज एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा. यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार क्या करती है? शिक्षा पर, कानून ना टूटे इस पर ध्यान रखती है. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन द स्टेट गवर्नमेंट. जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल हेड होता है और उसके काफ़ी सारे सब हेड होते हैं, वैसे यहाँ पे कौन ध्यान रखता है स्टेट गवर्नमेंट का? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर. ठीक है. अब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कहाँ करती है? विलेजेस और टाउन में, यानी गांव वगैरह में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. बात करते हैं पंचायती राज का. इन विलेजेस देयर इज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायती राज. इट वर्क्स एट 3 लेवल्स. यानी जो पंचायती राज कितने लेवल्स पे काम करता है? 3 लेवल पे काम करता है. कौन कौन से? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद. जो ग्राम पंचायत होता है वो विलेज लेवल पे होता है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है और ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. अब हमने रूरल एरियाज में देख लिया, अब अर्बन एरियाज में क्या होता है? फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स एंड क्लीन एंड वेल लिट रोड्स आर प्रोवाइडेड अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? किसका किसका ध्यान देती है? जो पानी हम पीते हैं उसका, इलेक्ट्रिसिटी का, हॉस्पिटल का, स्कूल का,
पब्लिक में बने पार्क्स का, कि वो क्लीन है कि नहीं, रोड्स सही हैं कि नहीं, इन सब का ध्यान कौन देती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देती है. अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितने लेवल्स में? 3 लेवल्स में, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत इज़ मीन फॉर एन एरिया विच इज़ चेंजिंग फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन टाइप. नगर पंचायत का मतलब होता है जब कोई एरिया रूरल से लेकर अर्बन में चेंज हो रहा हो, ठीक है ना. और नगर पंचायत हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. नगर पंचायत कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए. बात करते हैं म्यूनसिपल कमेटी की. वी कैन फाइंड म्यूनसिपल कमेटीज़ इन स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़. म्यूनसिपल कमेटी हमें कहाँ मिलेगी? छोटे छोटे शहरों में या छोटी छोटी सिटी टाउन्स वगैरह में मिल जाएगी. बी इन बिग सिटी द म्यूनसिपल कमेटी इज़ कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. यानी बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है. जैसे यहाँ पे पता है कि म्यूनसिपैलिटी है, ये किसका किसका ध्यान दे रही है? हॉस्पिटल का, पानी का, और पब्लिक्स में बने पार्क का, रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्कूल्स का. म्यूनसिपैलिटी क्या करती है? इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है, इन सब के वेलफेयर के बारे में सोचती है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल टू डू वेलफेयर. म्यूनसिपल कमेटी क्या करती है? आपने देखा होगा आप वाटर टैक्स भरते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी भरते हैं, आप स्कूल की फ़ीस भरते हैं, है ना. इन सब आप पार्क्स में जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं, हॉस्पिटल का बिल भरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप टैक्स देते हैं, है ना. कहीं ना कहीं टैक्स आपसे लिया जाता है. तो फिर वो उसका यूज़ क्या होता है? उसका वेलफेयर, यानी आपकी अच्छे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. द वेलफेयर वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट. अब काम क्या होता है? कौन कौन सा काम वेलफेयर कौन कौन सा करते हैं? ऑल लोकल गवर्नमेंट्स डू वेलफेयर वर्क्स एट देयर ओन लेवल्स. सभी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने अपने स्तर पे अच्छाई के काम करती रहती है. सबसे पहला, टू अरेंज फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अगर वो पानी दे रही है तो पानी साफ दे और प्रॉपर तरीके से दे, उसकी सप्लाई कभी रुके ना, ऐसा ध्यान रखती है म्यूनसिपैलिटी. टू टेक केयर ऑफ रोड्स टू कीप देम क्लीन एंड गुड. और क्या करती है? रोड्स का ध्यान देती है, रोड साफ़ हैं कि नहीं, इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है. टू मैनेज स्कूल एंड हॉस्पिटल. स्कूल और हॉस्पिटल को मैनेज करती है. पब्लिक सैनिटेशन को देखती है, साथ ही साथ पार्क्स और लाइब्रेरीज को मेंटेन करती है, है ना. टू रन सेंटर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन. एडल्ट यानी बड़े लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए सेंटर्स खुलवाती है. चाइल्ड वेलफेयर के लिए सेंटर्स ओपन करती है. स्ट्रीट लाइटनिंग का अरेंज करती है. तो क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? जो आसपास की चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए वर्क करती है. और उसका टैक्स कौन भरता है? उसका टैक्स हमसे ही कलेक्ट किया जाता है. जो भी हम चीज़ परचेज करते हैं उस पर हम कोई ना कोई टैक्स देते हैं. जैसे अभी हम लोग टैक्स देते हैं GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विस हमें मिल रही है, उस चीज़ पर जो हम टैक्स देते हैं उसी से लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? हमारा वेलफेयर करती है, ठीक है. तो आई होप चिल्ड्रन इसको आपने अच्छे से समझा होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.